स्वागत है आप सबका। आज हम इंडिया के सबसे अमीर भिखारियों पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस बंदे को देखो, इस बंदे का नाम है भारत जैन और ये इंडिया का सबसे अमीर भिखारी है। और आप इसका कमाई सुनकर एकदम हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बंदे एक महीने का 75,000 सिर्फ भीख मांग के कमा लेता है। और उसके बाद इसके पास दो फ्लैट है जिसका प्राइस 80 लाख है, और उसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका इसको 10,000 का महीने का भाड़ा आता है। तो अगर हम इस बंदे का प्रॉपर्टीज भी छोड़ दे तो भी ये बंदा महीने का 85,000 कमा रहा है। तो ये सुन के हमारे इंजीनियर्स कहाँ है, तुम कितना कमाते हो इंजीनियरिंग करके? और सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, सीए वालों, तुम कितना कमाते हो? एक लड़का जब सीए बनता है ना, उसको 80,000 के सैलरी तक पहुंचते पहुंचते उसको इतना घिसा जाता है ना कि वो बंदा पूरा चिकना ही हो जाता है। और लड़कियों के लिए भी ऐसा ही है। एक लड़की जब सीए बनती है ना, उसको 80,000 के सैलरी तक पहुंचते पहुंचते उसको अपने बॉस के सामने इतना झुकना पड़ता है ना कि उसके घुटने ही छिल जाते हैं। और इसके बाद अब आप इस भिखारी का सोचो, ये उतना ही कमा रहा है, ना अपने आपको घिस के ना अपने आपको झुका के। शर्म करो इंजीनियरिंग और सीए वालों, शर्म करो और जाके भीख मांगो, ज्यादा स्कोप और ज्यादा कमाई है इसमें। और आपको क्या लगता है, ये ऐसे सिर्फ अकेला भिखारी जो इतना कमा रहा है? बिल्कुल नहीं, और भी है, मैं बताता हूँ एक एक करके सब। ये देखो, इसका नाम है मलाना खान। ये दिन का 1,000 रुपए कमाता है, इसके पास 30 लाख की प्रॉपर्टी और इसके पास एक फ्लैट है अंधेरी वेस्ट में। फ्लैट तो दूर की बात है, इधर मेरे बाप को अपने घर का भाड़ा देने नहीं जम रहा है ठीक से, और इस बंदे के पास अंधेरी वेस्ट में फ्लैट है, क्या बात है। और इस बंदे का भीख मांगने का स्टाइल भी बहुत अलग है। ये बंदा उठ के रिक्शा पकड़ता और अपने मन पसंद से भीख मांगने के जगह पे जाता है, और फिर उधर जाके कपड़े बदलता और भिखारी वाले कपड़े पहनता है, और फिर दिन का 8 घंटा ये भीख मांगता और फिर से अपने कपड़े बदल के रिक्शा पकड़ के घर चला जाता है। बहनचोद रिक्शा, इधर मुझे रोज बस से आना जाना करना पड़ता है, और अगर मैंने गलती से एक दिन वड़ा पाव खा लिया ना तो बहनचोद उसका भी हिसाब आके मुझे अपने बाप को देना पड़ता है। साला एक भिखारी मुझसे अच्छी जिंदगी जी रहा है। ये है सरवतिया देवी, ये दिन का 500 रुपए कमाती है, इसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है और ये 36,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरती है साल का। देखो क्या है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम तो मेरे पिताजी भी भरते हैं, बस फर्क इतना है कि मेरे पिताजी सिर्फ 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं साल का। खैर अब छोड़िए, मुझे अब ये नहीं बोलना कि एक भिखारी मेरे पिताजी से अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे भिखारियों को नहीं देखेंगे, क्योंकि साला जितना मैं इन भिखारियों को देख रहा हूँ मैं उतना डिप्रेस होता जा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है यार, कि हम पढ़ाई शुरू करते 2 से 3 साल की उम्र में और पढ़ते रहते 22 से 23 साल की उम्र तक, कोई कोई दूसरे ज्यादा भी पढ़ लेते, तो इसका मतलब 20 से 22 साल हम सिर्फ पढ़ाई में बिता देते, और इतना पढ़ने के बाद भी जब हम नौकरी ढूंढने जाते तो पहली बात नौकरी मिलता है नहीं, और दूसरी बात अगर नौकरी मिल भी गया तो आपको सैलरी कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 20,000 मिलेगा, और आपको भी मालूम है ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। और आप सोचो, एक भिखारी कुछ भी नहीं करके हमसे ज्यादा कमा रहा है, तो इससे आप क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे आप। मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ, आप अपना काम खत्म करो, चलो कल रास्ते में मिलेंगे, साथ में भीख मांगेंगे हम लोग। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो यार। चलो थैंक यू, बाय।